जय माता की। आज हम मना रहे हैं नवरात्रि स्पेशल, अष्टमी नवमी स्पेशल। बहुत ही ज्यादा टेस्टी, एकदम लटपटे चने, बिल्कुल डिटो भंडारे वाला जो स्वाद है वो आप घर में रेप्लिकेट कर पाएंगे इन आसान स्टेप्स के साथ में। और उसके साथ हमने बनाया है सूजी का दानेदार हलवा, एकदम घी छोड़ता हुआ, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। मैं दोनों रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। जो मैंने मेजरमेंट आपके साथ शेयर किया उसमें आसानी से आप 10 से 12 लोगों के लिए प्रसाद तैयार कर सकते हैं। ये हलवा इसी तरीके से रसीला और चने एकदम लटपटे बने रहेंगे, यानी बिल्कुल ड्राई नहीं होगा मसाला इनका। इसके लिए क्या सीक्रेट टिप यूज की जाती है वो भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आसान सी रेसिपीज को बनाना। भंडारे वाला प्रसाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है काला चना। ये काला चना भी मार्केट में दो वैरायटी में अवेलेबल है। एक होता है बिल्कुल छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये देसी चना है, इसका साइज काफी छोटा होता है। और एक होता है थोड़ा सा इससे बड़े साइज में आता है और वो फूल करके ज्यादा बड़ा भी हो जाता है। इसका टेस्ट उसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो जितना देसी काला चना अच्छी तरह से पानी में धुल करके इसको रात भर तक के लिए सोख करके छोड़ दिया था। और देखिए ये फूल करके अपने साइज में डबल हो चुका है। चने को भिगोते समय इस बात का ख्याल ध्यान रखें कि अच्छी मात्रा में इसमें पानी डालें ताकि अच्छी तरह से सोख हो सके और किसी बड़े बर्तन में आप इसको सोख करें। अब इसका जो पानी है वो हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, हम इसी पानी के साथ इस चने को बॉइल करने वाले हैं, क्योंकि इस पानी में भी अपनी अच्छी खासी इसकी गुडनेस होती है। इसीलिए पहले अच्छी तरह से धुलने के बाद ही आप इसे साफ पानी में भिगो के रखें। अब हम चने को ऐड करेंगे प्रेशर कुकर में। यहाँ पर मैं ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, थोड़े बड़े साइज का प्रेशर कुकर इस्तेमाल करें। ऐसा करने से जो स्टीम है वो बाहर नहीं आती है बिल्कुल भी। अब यहाँ पर एक खास टिप आपको ध्यान रखनी है, चनों को उबालते समय हमें बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे भी हम ड्राई चना बनाने वाले हैं, तो आप देखिए यहाँ पर जितना पानी मैंने इसमें भिगोया था उससे बस थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया। इसमें कप्स वगैरह के मेजरमेंट की कोई जरूरत नहीं। देखिए आप फिंगर को इस तरीके से डिप करके देखिए, बस इतना भाग फिंगर का इसमें डिबना चाहिए, यानी एक पार्ट पूरा इस तरीके से डूब रहा है। इसका मतलब पानी बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच देशी घी। देशी घी डालने से क्या होगा कि जब ये चना उबलता है ना, तो आपने देखा ना ढक्कन के बाहर आने लगता है प्रेशर, तो वो नहीं होगा घी डालने से। उसके साथ हम इसमें डालेंगे एक चौथाई छोटी चम्मच जितना सोडा, यानी कि खाने वाला मीठा सोडा। इसको डालने से चना जल्दी से सॉफ्ट होता है और चना अंदर तक पता है, और ऐसे क्या होता है आपको ज्यादा देर उसे कुक करना पड़ता है। साथ में हमने डाल दिया है नमक अपने स्वाद अनुसार। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे प्रेशर कुक करेंगे लगभग 3 से 4 विसल आने तक। उसके बाद 5 मिनट तक लो फ्लेम पर और पका लेंगे। इतने में हमारा चना बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 विसल आने तक पका लिया है और अब हमारा चना एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए चना एकदम सॉफ्ट हो चुका है। आप इसे हाथ से इस तरीके से मैश करें ना तो एकदम सॉफ्ट है। लेकिन आपको यहाँ पर इस स्टेज पे ध्यान ये रखना है कि आपको जो चने का पानी है ना, इसी में ही चने को रहने देना है। ये पानी हम बिल्कुल भी इससे अलग नहीं करेंगे। अगर आप इस टाइम पर चने को पानी से निकाल देंगे तो क्या होगा, चना एकदम हार्ड हो जाएगा और वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चना सॉफ्ट नहीं होता है तो खाने में मजा ही नहीं आता, तो साइड रख लेंगे। अब हम तैयारी करते हैं इसको फ्राई करने की। इसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है अदरक और हरी मिर्च। इसमें से मैंने थोड़ी अदरक को इस तरीके से लंबा लंबा जूलियंस की तरह काट लिया है। साथ में मैंने थोड़ी अदरक को कद्दूकस कर लिया और हरी मिर्च के साथ भी मैंने सेम यही किया है। साथ में यहाँ पर ताजा हरा धनिया लिया है, इसको भी मैंने इस तरीके से साफ करके कट कर लिया है। इसको हम अलग साइड रख लेते हैं। अब हम बनाते हैं इसका एक स्पेशल मसाला जो कि हम इस तड़के में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर खाली बोल लिया है, जिसमें मैं ऐड करूंगी हल्दी पाउडर 2 चम्मच भर करके। हम यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। उसके साथ इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच जितना भुने हुए जीरे का पाउडर। सारी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इन मसालों में थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे। ऐसा करने से जब मसालों को हम ऑयल में भुनेंगे तो ये बिल्कुल भी जलेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर प्याज लहसुन टमाटर किसी तरीके की कोई चीज यूज नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट मसालों को ऑयल में डालने से पहले आप ये करके रख लीजिए। ऐसा करने से आपको आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए मैंने यहाँ पर ले ली एक बड़ी सी कढ़ाई जिसमें मैं इस चने को फ्राई करने वाली हूँ। अब मैंने यहाँ पर डाला है 4 बड़े चम्मच जितना ऑयल, यानी कि 1/4 कप के जितना ऑयल यहाँ पर डाल दिया। आप चाहे तो इस चने को देशी घी में भी तैयार कर सकते हैं प्रसाद के लिए। चलिए घी हम या ऑयल जो भी आपने लिया है, जब वो अच्छा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे हींग। यहाँ पर 1/4 छोटी चम्मच जितनी हींग मैंने ऐड की है। साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच भर करके यहाँ पर जीरा। जीरा को भी हल्का सा चटक जाने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने बारीक कद्दूकस करके रखी थी अदरक और हरी मिर्च, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। जो लंबी कट की थी वो अभी हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। इनको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरीके से हल्का सा भून लेंगे। ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है ताकि कोई भी मसाला या जो भी चीज हम डाल रहे हैं वो बिल्कुल भी जले नहीं। ये हल्का सा भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा तैयार किए हुए मसाले वाला पेस्ट। वो ऐड करके उसे भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। जो मसाले वाला पेस्ट है उसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से जो ऑयल है वो थोड़ा सा सेपरेट नहीं हो जाता। तो ये देखिए आप इसमें इस तरीके से बबल्स जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम इस टाइम पे इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च से इसमें बहुत अच्छा रंग आता है, तो ये आप जरूर डालिएगा। और मसालों को भुनने के बाद ही आपको इसमें
ऐड करनी है। इसको भी हम आधा मिनट तक इस तरीके से हल्का सा चला लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो ही रखा हुआ है ताकि कोई भी मसाला जले नहीं। तो ये देखिए बस ये हल्की सी भुन जाएगी, उसके बाद हम यहाँ पर हमारा तैयार किया हुआ सारा चना वो ट्रांसफर कर लेंगे इसी कढ़ाई में। पानी के साथ ही हमें डालना है, पानी कहीं पर भी किसी मोमेंट पे हम उसका अलग ही नहीं करेंगे। तो ये देखिए पानी के साथ सारे चने डाल दिए मैंने और इसको एक बार अच्छी तरह से मसालों के साथ में मिक्स कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इतना पानी डालने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि हम तो यहाँ पर ड्राई चना बना रहे थे। इस पानी के साथ में जब चना पकता है तो अंदर तक उसमें रश रहता है और वो ज्यादा ड्राई नहीं लगता, रखने के बाद भी चने में अच्छा खासा मॉइस्चर होता है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइम पे हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे और ऐसा करने से जो चना है उसके अंदर जितने भी मसाले के फ्लेवर्स हैं वो सारे अंदर तक जाएंगे और आपको चना और भी ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा। तो इस छोटी सी ट्रिक को जरूर अपना कर देखिएगा। आप पानी के साथ ही इसको पकाइएगा और फिर देखिएगा क्या डिफरेंस आता है। अब जब ये चना पानी के साथ पक रहा है हम इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी चम्मच जितना अमचूर का पाउडर ऐड किया, साथ में आधी छोटी चम्मच जितना गरम मसाला ऐड करेंगे और उसके साथ इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जितना काला नमक, साथ में इसमें जाएगा एक चौथाई छोटी चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर और उसके साथ इसमें डालेंगे यानी एक छोटी चम्मच भर करके चाट मसाला। सारी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें और कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे, बस सिर्फ इसके मॉइस्चर को खत्म होने तक इसे हाई फ्लेम पर पका लेंगे। जब हमारा चना इस स्टेज तक कुक हो जाएगा, ये देखिए आप इसे बहुत ही हल्का सा मॉइस्चर बचा है। अब हम लगाएंगे इसमें घी का तड़का। तो मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है 2 बड़े चम्मच, उसमें हमारे कटे हुए अदरक और हरी मिर्च को डाल करके हल्का सा बस सौते करेंगे। इनको बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ये हल्का सा पक जाएंगे। हम इस तड़के को डाल देंगे एंड में इस चने के ऊपर। ऐसा करने से आप देखिएगा छोटे छोटे से ट्रिप्स हैं जो आप करके देखेंगे तो आपके चने जो है ना रखने के बाद भी एकदम ड्राई नहीं होंगे। अब हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दिया। देखिए इसमें हल्का सा मॉइस्चर मैंने छोड़ दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर आप इसे ठंडा भी सर्व करेंगे ना तो भी खाने वाले को इसमें ड्राइनेस महसूस नहीं होगी। ऊपर से हम कटे धनिया के साथ इसको गार्निश करेंगे और ये हमारे लटपटे से भंडारे वाले स्पेशल चने के प्रसाद बनके तैयार हो चुका है। अगर आप चने का रंग बिल्कुल काला चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार बिल्कुल काला सा चना मिलता है, तो आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाइएगा तो आपको बिल्कुल वैसा परफेक्ट काला रंग मिल जाएगा। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा तरीका हलवा बनाने का, जिससे हलवा एकदम रसीला बना रहेगा, एकदम घी छोड़ता दानेदार टेक्सचर के साथ तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं सूजी के हलवे की रेसिपी को। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, जिसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप जितना पानी। किसी भी कटोरी से आप नाप ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मेजरिंग कप इस्तेमाल करें। उसी कटोरी से नाप करके आपको उतनी ही चीनी डाल देनी है, यानी जितना चीनी उतना पानी। अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर इसको बॉईल होने तक पका लें। चीनी जब बॉईल हो जाए यानी इसमें अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए बस इतनी देर से पका लेना है, उसके बाद हम इसे अलग रख लेंगे। मैं यहाँ पर हलवे को 10 से 12 लोगों के लिए भोग प्रसाद के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ml वाला मेजरिंग कप भर करके सूजी। ग्राम्स में देखेंगे तो लगभग 150 से 200 ग्राम जितनी मैंने यहाँ पर सूजी ली है। इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह से चलाते हुए रोस्ट कर लूंगी। इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर इस तरीके से गोल्डन नहीं हो जाता। अगर आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बना रहे हैं तो जितनी आपने सूजी ली, अगर 200 ग्राम सूजी है तो 200 ग्राम जितनी ही आपको चीनी पानी में बॉईल करनी होगी। अगर आप किसी कटोरी से नाप ले रहे हैं तो कटोरी से नापने का तरीका यही है कि जितनी आपने सूजी ली है उतनी आपको चीनी लेनी है, उतना ही पानी लेना है। तो इस तरीके से आप रेशियो सेट कर सकते हैं। देखिए हमारी सूजी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई, इसको मैंने अलग निकाल लिया एक प्लेट पर। और अब मैंने यहाँ पर ली एक कढ़ाई जिसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 कप जितना देसी घी। देसी घी हम यहाँ पर एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे। तो इन टोटल आप देखेंगे जितनी आपने सूजी ली है उससे लगभग आधा रेशियो में घी लग जाता है। तो अगर आपने 1 कप या जिस कटोरी से आपने सूजी को नापा था उसी से नाप करके आप 1/2 कटोरी जितना घी ले लीजिए, इतना तो लगभग लगने ही वाला है। वैसे चाहे तो आप इसमें बिल्कुल खुला घी डाल सकते हैं, मतलब 1 कप के जितना भी डाल सकते हैं बराबर रेशियो में भी। चलिए मैंने यहाँ पर घी के साथ में थोड़े से यहाँ पर बादाम कट करके डाल दिए और इनको बिल्कुल हम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से गोल्डन होने तक रोस्ट कर लेंगे। बादाम जब हमारा रोस्ट हो जाएगा उसके बाद हमारी तैयार की जो सूजी थी जिसे हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था उसमें अभी तक हमने कोई घी नहीं ऐड किया, अब हम वो सूजी यहाँ पर डाल देंगे और सूजी को भी इसके साथ में अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए सूजी का रंग तो ऑलरेडी हमने अच्छे से इसको गोल्डन कर ही लिया था, अब इसे बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। जब आपकी सूजी बिल्कुल अच्छी तरह से घी में इस तरीके से लिपट जाए तब उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे बिल्कुल हल्का गर्म दूध। तो यहाँ पर दूध हमें कितना लेना है, जितनी क्वांटिटी में हमने सूजी ली है उसका डबल हम यहाँ पर दूध डालेंगे, यानी जिस कटोरी से आपने नाप लिया था सूजी का उस कटोरी से नाप करके आप 2 कटोरी जितना दूध ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम जितनी सूजी ली है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 400 ग्राम लगभग 1/2 लीटर के अप्रोक्स यहाँ पर दूध ऐड कर दूंगी। दूध डालने से क्या होगा, इसमें जो रिचनेस है वो इस हलवे को मिलेगी, लेकिन मेरे तरीके से एक बार ट्राई करके देखिए, दूध डालने से इस हलवे का टेक्सचर ही बदल जाता है और इतना स्वादिष्ट हलवा हो जाएगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। सूजी कुछ ही टाइम में सारा ही दूध एब्जॉर्ब कर लेगी और देखिए कुछ इस तरीके से थिक हो जाएगी। बस जब इस तरीके से एब्जॉर्ब कर ले, इस तरीके से गाढ़ा सा मिक्सचर दिखने लगे, उस टाइम पे हमारा तैयार किया हुआ जो शुगर सिरप है यानी जो हमने पानी में पका के रखी थी चीनी वो ऐड कर देंगे। जब इसमें चाशनी आप ऐड करें तो इस बात का ध्यान रखें कि चाशनी बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हो, वरना इसमें ज्यादा लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए हमने चाशनी के साथ इसे अच्छी
तरह से पका लिया है, अब ये हलवा एकदम थिक होने की कंसिस्टेंसी पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे जब हलवा इस तरीके की कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा तब हमारा जो बचा हुआ घी है आधे कप में जो हमारा बच गया था घी वो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसको इस तरीके से भूनते जाएंगे। तो बस आपको इतनी देर के लिए इस हलवे को भून लेना है जब तक कि हलवे का टेक्सचर कुछ इस तरीके का नहीं हो जाता। और आप देखिए हलवे का जितना भी घी है जो हमने बाद में ऐड किया एकदम सरफेस आउट हो जाता है, ये ज्यादा घी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और ये हमारा टेस्टी सा एकदम रसीला एकदम माउथ मेल्टिंग हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप भी इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इस हलवे की रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपका हलवा 100% हलवाई स्टाइल बनने वाला है और आपको बेहद पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये दोनों रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी। तो आप भी अष्टमी नवमी के स्पेशल मौके पर इस प्रसाद की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी बताई हुई वीडियो या टिप्स आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नए त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी, हरे कृष्णा।